जब से ये किचन गार्डन का हरी पत्तीदार सब्जी खाने लगी हूँ, मेरा खून का कमी खत्म हो गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मान लीजिए कि महीना में 2 बार मैं डॉक्टर के पास जाती थी कमजोरी की वजह से, तो जब जाती थी तो 1000 रुपया का दवाई भी दे दिए, सेलाइन भी चढ़ाए, 3 टाइम दवाई खाती थी, लेकिन फिर भी शरीर में ताकत नहीं मिलती थी। जिनके पास ज़मीन नहीं होता है, घर के आसपास थोड़ा बहुत ज़मीन होता है, तो कोई पुराना बीज वगैरह कुछ लगा के ऐसे ही जनरली वो लोग खेती करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें काफ़ी कभी पौधा हुआ, कभी फसल हुआ, इस तरीके की समस्या आती है। घिवरा, सजवन और कोमरा तीनों चीज़ लगाते थे। पहले करते थे, दवा ववा नहीं देते थे, ऐसे ही लगा देते थे, होता होता कभी नहीं होता भी। जो सब्जी वगैरह की खेती जनरली नहीं करते हैं और आलू वगैरह खा के अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे परिवारों को चिन्हित करके हम लोगों ने यहाँ पे रसोई बगीचा को प्रमोट किया। जो उसमें प्रशिक्षण दिया गया कि हम लोग के पास जो खून की कमी है, कुपोषित है, तो क्यों है? खाने पीने की वजह से है, इसलिए कि महिला लोग को थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा दिक्कत होता है पैसे की कमी के कारण। अब मान लीजिए कि मैं ही हूँ घर में खाना बनाती हूँ, तो सभी को पहले खिला करके जो बचा खुचा खाना बचता है वही खाती थी। अब सब्जी कम पड़ गया तो मुझे ही कम पड़ गया, लेकिन अब किचन गार्डन से जो सब्जी मिलती है तो भरपूर बनाती हूँ, इसीलिए सबको भरपूर खिलाने के बाद भी मैं भी भरपूर खाती हूँ। बीज दिए, बीज के लगाने के तरीके बताए गए कि कैसे लगाया तो कितना मुनाफा होगा, कितना फ़ायदा होगा, अच्छा से लगाएंगे तो अच्छा उगेगा, तो अब अच्छा से लगाते तो अच्छा उगता है, बच्चे को आहार मिला, हमको भी आहार पौष्टिक आहार मिला, खून की कमी नहीं हुआ, विटामिन मिला, यही सब फायदा हुआ। जब से ये किचन गार्डन का हरी पत्तीदार सब्जी खाने लगी हूँ, मेरा खून का कमी खत्म हो गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अब क्या है कि पुरुष भी महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके कार्य में वो सहयोग भी कर रहे हैं। मेरे पति जब जाते हैं तो उसे पहले थोड़ा पानी पटाना हो, चाहे कुछ करना हो तो कर देते हैं, उसके बाद शाम को जब बच्चे आते हैं 2-2:30 बजे तो उसके बाद हम बच्चे के लेकर करते हैं, उसके बच्चे के लेकर रात को भी पति को कहते तो पानी भर दीजिए तो पानी पटा दीजिए, चाहे बीज लगाना लगा देते लगा देते हैं। उनको भी ट्रेनिंग मिला था? नहीं, हम बताते हैं तो वो लगाते हैं। तो वो आपका सब बात मान लेते हैं? मानते हैं, जब खाते हैं तो कैसे नहीं बात मानेंगे। दो किलो 4 किलो बेच देती हूँ, वो पैसा इकट्ठा करके बेटा के लिए हॉर्लिक्स ला देती हूँ। बेटी की पढ़ाई के लिए भी अगर उसको कॉपी नहीं रहता है चाहे किताब, तो कहती मम्मी पैसा है तो दे दो, तो उसको भी दे देती हूँ। इस तरह से महिला सभी कह रही है कि नहीं, किचन गार्डन लगाने से कि ये बात है कि बाज़ार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि से हाँ बाज़ार जाएंगे तो हम सब्जी लाएंगे, जिस टाइम मर्जी हुआ उस टाइम जो सब्जी हुआ वो बाड़ी झाड़ी में लगा हुआ है तोड़ करके बना लिए, वो ताज़ा सब्जी मिलता है। ये हमारे गाँव में और महिला से भी देखा देखी से वो भी अब कर रही है।